हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ब्लैक बक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के कौन से पार्ट में जो है वो ब्लैक बक पाया जाता है? तो आंसर है अबोहर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जिस बुक में जो है जो प्रजातियां खतरे में है उनके उनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रेड डेटा बुक। आप कैसे याद रखोगे? रेड कलर जो है वो खतरे का ही निशान होता है ना, तो रेड डेटा बुक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को, ठीक है, यानी कि 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2022 नेशनल सर्वे आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। तो 2022 का जो सर्वे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वो कितने नेशनल पार्क है? आंसर है 106, ठीक है, यानी कि 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द करेक्ट रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना या जंगलों का सफाया करना, उसके लिए कौन कौन से जो रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है? कटिंग ऑफ ट्रीज भी है ना, फॉरेस्ट को जो है वो क्लीन करना बिल्डिंग बनाने के लिए, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों को साफ करना। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज 100% पॉपुलेशन, एनिमल्स 100% पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका 100% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में पाया जाता है? तो आंसर है एशियन लायंस, ठीक है, इसके एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का जो है वो नेचुरल कॉज नहीं है, नेचर द्वारा जो है वो कारण जो है वो नहीं है। तो वो भी नेचुरल है, ड्राउट यानी सूखा, उससे भी पेड़ जो है वो खत्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट फायर जंगलों का आग लगना उससे भी खत्म हो जाते हैं। तो कोरोना जो है वो इसका आंसर नहीं है, मतलब नेचुरल कॉज नहीं है, ठीक है, तो कोरोना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज लिबरेटेड ऑन बर्निंग कोल एंड डीजल। कोल और डीजल को जलाने से कौन सा गैस जो है वो रिलीज होता है? तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनो के लिए फेमस है, ठीक है, यानी कि गैंडा। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, इमेजिन यू सी समवन थ्रोइंग लिटर इनटू अ रिवर। तो आपने जो है वो किसी को देखा कि नदी में जो है वो कूड़ा डाल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन दैट कैन बी टेकन। तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा जो इस पे बेसिकली जो है वो स्टेप उठाया जा सकता है? इग्नोर इट सिंस इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आप इग्नोर करोगे क्योंकि आपका प्रॉब्लम नहीं है। कन्फ्रंट द पर्सन एंग्रीली, आप जो है वो उससे जो है वो गुस्से में बोलोगे, ठीक है। इसके कलेक्ट द लिटर एंड डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली एंड इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटीज इफ नेसेसरी। आप उस कूड़े को जब सही तरीके से डिस्पोज करोगे और जरूरत पड़ेगी तो लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, आप उसकी फोटो ले लोगे और ऑनलाइन जो है वो पोस्ट कर दोगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट अ लोकल फॉरेस्ट। आपने जो है मतलब कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिसका काम है बेसिकली फॉरेस्ट को, जो लोकल फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, आप उसका पार्ट है। चूज अ यूजफुल एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है इसके लिए यूजफुल रहेगा? प्लांटिंग नॉन नेटिव ट्रीज दैट ग्रो क्विकली, क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट के लिए जंगलों का सफाया करना, रिमूविंग इनवेसिव प्लांट्स स्पीशीज एंड प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, इग्नोरिंग फॉरेस्ट मेंटेनेंस एंड फोकसिंग ऑन अदर एरियाज। जो है
इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक है कि इन्वेसिव प्लांट को हटाकर वहां की जो नेटिव ट्रीज है, ठीक है, जो देसी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको लगाया जाए क्योंकि वो वहां पर इजीली जो है वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ स्कूल प्रोजेक्ट योर टीम इज टास्क्ड फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जो वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए जो अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। तो कौन सा स्ट्रेटेजी जो ज्यादा असरदार होगा, क्रिएटिंग पोस्टर विद इंफॉर्मेशन ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, पोस्टर बना रहे हो जिसमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो प्रजातियां खतरे में है उनको जो है वो बेसिकली उनकी पिक्चर्स वगैरह लगाई हो, एंड वेस्ट टू प्रोटेक्ट देम, और उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है वो तरीका मेंशन किया हो, ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर टू बाय एग्जॉटिक पेट्स खरीदने के लिए फंड रेजर करना, एनकरेजिंग क्लासमेट टू हंट लोकल वाइल्ड लाइफ, की क्लासमेट को जो है वो मैं बेसिकली एनकरेज करना कि वो वाइल्ड लाइफ जो है उनका शिकार करे जो वहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ है, इग्नोरिंग द इशू, आप इशूज को इग्नोर करोगे एंड फोकसिंग ऑन अनरिलेटेड टॉपिक, तो आप अनरिलेटेड टॉपिक पे फोकस करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।